हेलो फ्रेंड, आप सभी को नमस्कार। अभी स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम आपके सामने डीएमआरसी सीआरए के जो 18/2/2020 को जो पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में, इसको डिस्कस कर रहे हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे टाइम टू टाइम आपको न्यू अपडेट और न्यू आपकी जो भी एग्ज़ाम है उनके बारे में आपको पता लग सके। तो फ्रेंड, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर हम आपको गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के बारे में आपको बताते रहते हैं। तो साथ में, तो सबसे पहले जो हम ये क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, ये सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? ये हैं सरोजनी नायडू, पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, शरीर को मस्तिष्क का कौन सा भाग कंट्रोल करता है? तो फ्रेंड, ये सेरिबलम कंट्रोल करता है। ठीक है, सेरिबलम ऐसा होगा, इसमें थोड़ा गलत से लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए, शरीर का कौन सा भाग ट्रांसप्लेस नहीं होता है? तो ये फ्रेंड अंडाशय है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर देखिए आप, आँख की पुतली को छोटा बड़ा कौन सा भाग करता है? यह है आयरिस। ठीक है, इसके साथ ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1606 से 1627 तक मुगल काल का शासक कौन था? यह था जहांगीर। उसके साथ अगला क्वेश्चन देखिए आप, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीरंदाजी है ये। ठीक है, उसके साथ ही क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? यह है NaOH। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, वायुमंडल में कौन सी गैस कम पाई जाती हैं? तो ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, जो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी 0.00% पाई जाती है। ठीक है, उसके साथ ही देखिए, रेडियो तरंगे कौन सी परत में पाई जाती है? यहाँ ये परत होगा। ठीक है, ये आयन मंडल में पाई जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मनुष्य और जंतु किस तरह के पोषी हैं? ये हैं परपोषी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप, ग्राम पंचायत संविधान के कौन से भाग में है? ये 9वें भाग में है और 11वीं अनुसूची में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कंप्यूटर में फाइल को सेव करने के लिए कौन सी की प्रयोग की जाती है? यह है कंट्रोल प्लस एस। ठीक है, उसके साथ देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप, इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 15 सितंबर को। साथ में क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 1290 से 1296 किसका शासनकाल था? ये जलाउद्दीन फिरोज खिलजी का था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, प्रकाश संश्लेषण से कौन से जीव भोजन प्राप्त करते हैं? ये स्वपोषी और इनको भोक्ता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, चूना पत्थर कौन से राज्य में मिलता है? झारखंड, राजस्थान और बिहार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आप, सेंट्रल वाटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है फ्रेंड, ये मेमोरी क्वेश्चन है। आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो केरल की जो भाषा है वो कौन सी है? ये है मलयालम। ठीक है, उसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, जैविक उर्वरक बनाने के लिए कौन सहायक है? ये केचुए सहायक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये। और इसके साथ ही आप देखिएगा, जो आपके ये जो पेपर था, बहुत अच्छा पेपर था। इसमें आपकी दो बुकें पूछी गई थी और दो बुकें और दो जो नरते हैं वो पूछे गए थे आपके। ठीक है, कौन कौन से नरते थे जो इस पेपर में आपके जो एक्टिव और पैसिव एक्टिव जो क्वेश्चन हैं वो, और आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन और एडवर्ब, ये कम से कम 6 या 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फ्रेंड, ये टॉपिक आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और आपके जो मैथ में है, बिल्कुल इजी लेवल की मैथ आपकी इस पेपर में पूछी गई थी। ठीक है, रीजनिंग थोड़ा अच्छा लेवल का पूछा गया था, तो आप इंग्लिश को थोड़ा अच्छे से करके जाइएगा। तो फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हमने जो बनाए हैं, आप और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसी के साथ आप सभी को कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। और यदि आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे टाइम टू टाइम आपको न्यू अपडेट मिल सके। थैंक यू।